ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कर्व। तो जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, आई मीन द वेरी फर्स्ट क्लास, की अब जो भी आपके नए टाइप के कर्व्स होंगे वो मैं सब में कवर कर लूँगा। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल हैव टू मेमोराइज द इक्वेशंस। ओके, और उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, उसका कर्व कैसा दिखेगा, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो ईजी है। तो दोनों मैंने सेम कर्व्स लिया है, इफ़ यू सी इट वेरी केयरफुली। ओके, सो लेट अस डू इट। सोल्यूशन, तो आई एम डूइंग द फोर्थ सम। अच्छा, अब ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स क्यूब, ये है ना सेमी क्यूबिक पैराबोला। इसका ग्राफ ऐसा आएगा, सेमी क्यूबिक। आई डोंट नो वेदर यू ऑल नो द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अगर नहीं पता तो ठीक है, 11th 12th में अगर बताया है तो ठीक है, नहीं बताया तो भी ठीक है। ये अभी ग्राफ याद कर लो, सेमी क्यूबिक पैराबोला ऐसा दिखेगा। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, इसको थोड़ा और स्ट्रेच कर देते हैं। हाँ, ऐसा दिखेगा, सेमी क्यूबिक। ओके, तो नाउ इन द क्वेश्चन व्हाट आर दे टेलिंग, शो दैट द लेंथ ऑफ द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट हुज एब्सिस इज बी, फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट हुज एब्सिस इज बी। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, एब्सिसा इज बी, और वाई कोऑर्डिनेट को वाई बोल देते हैं, एब्सिसा के बारे में बोला वो लोग ने। तो अपने को ये लेंथ ढूंढना है फ्रॉम वर्टेक्स टू अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज बी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, तो अपने को फाइनल आंसर जो आएगा सिर्फ चेक करना है कि वेदर इट इज़ इक्वल टू दैट वैल्यू और नॉट। तो देखते हैं अब इसमें सी आर्क, सॉरी लेंथ किसका ढूंढना है, इस सेमी क्यूबिक पैराबोला का। तो ऑब्वियसली इसके इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डी वाई बाई डी एक्स रेडी करें या डी एक्स बाई डी वाई। तो अगेन अब कोई भी वे से जाओ फर्क नहीं पड़ेगा, बट सी आंसर मुझे अब बी के टर्म्स में लाना है, बी और ए दोनों इन्वॉल्व है। तो इट्स बेटर वी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो दैट आई कैन यूज 0 to b एज माई लिमिट। ओके, सो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज, एक्स क्यूब बाई ए एक्स रेज टू 3/2 अपॉन रूट ए। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स ले लो, डी वाई बाई डी एक्स 1/√a तो साइड में आएगा, 3/2 टाइम्स एक्स रेज टू 1/2, सो 3/2 रूट एक्स अपॉन रूट ए। ये डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब अपने को तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो 9/4 एक्स बाई ए, देन 1 प्लस, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द फॉर्मूला ऑफ एस। हाँ, बस अब एस लिख देते हैं, एस इज फ्रॉम एस इज फ्रॉम 0 to b आएगा ना, बिकॉज एक्स के लिमिट्स लेने हैं अब अपने को, एज यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब ये कितना आ रहा है, 9x/4a, तो रूट को मैंने, अच्छा चलो डायरेक्ट नहीं लिखते, 1 प्लस 9x/4a डी एक्स 4a प्लस 9x
अपॉन रूट ऑफ 4a 0 टू ba। अब ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट ए 0 टू बी 4a प्लस 9x। 4a प्लस 9x रेस्ट टू हाफ लिख दो। सो नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस समथिंग रेस्ट टू एन, और वो समथिंग के अंदर लीनियर टर्म है। क्वाड्रेटिक होता तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता उसको, लीनियर टर्म है। सिंस दिस इज अ लीनियर टर्म आई कैन इंटीग्रेट इट डायरेक्टली। और इंटू 9 भी आएगा बिकॉज ये क्या बोलते हैं, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है वो नीचे आता है, और लिमिट क्या है 0 टू बी। तो 1 अपॉन 2 रूट ए 4a प्लस 9b की पावर 3/2। एक्चुअली ये 2 और ये कैंसिल भी कर सकते हैं, तो लेट अस कैंसिल इट। तो अब 9 × 3 27 अपर माइनस लोअर, और ये आएगा 4a की पावर 3/2 अपॉन 27। अब देखते क्या चाहिए आंसर में। 8a/27 आई थिंक वी हैव टू गेट दिस 1/√a इनसाइड। या सो वी गेट 4a+9b रेस टू 3/2 27√a माइनस माइनस ये आएगा 4 रेस टू 3/2। तो 4 का रूट 2 आएगा, 2³ 8 आएगा, और a रेस टू 3/2 अपॉन रूट ए, तो 8a/27। वो तो अभी आई नो कि यू विल राइट द आंसर फ्रॉम देयर डायरेक्टली बिकॉज वो दिया है, वो लोग ने प्रूव दैट करना है, तो लास्ट स्टेप ही था सम का। ओके तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ओके अब ये सम, अब ये तुम लोग करोगे प्रूफ। सिर्फ आई विल जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। इफ एस प्रूव दैट इफ एस बी मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन इट, देन एस इज इक्वल टू सो एंड सो। सो एस इज वॉट द रिक्वायर्ड लेंथ। तो अब क्या करना है, अब बेसिकली ऐसा बोला है, अब एक पॉइंट दिया है रैंडम। पहले बोला था एब्सिसा बी है, अब बोला है कि एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कर्व पे, और ये लेंथ कैलकुलेट करना है। ओके तो कुछ नहीं, सेम है, यू कैन यूज़ द सेम स्ट्रक्चर बिकॉज आई थिंक इक्वेशन भी चेंज नहीं किया है। हाँ सिर्फ लिमिट जो मैंने 0 to b लिया ना, यू कैन टेक इट एज 0 to x एंड यू कैन वर्कआउट द सम। तो x के जगह पे x ही डालोगे फिर, यहाँ पे x के जगह पे b डाला था मैंने, तो आ जाएगा आंसर। ओके तो कर लेना, आई एम नॉट डूइंग इट, दिस इज आई गेस द फिफ्थ सम। ओके और अब सबसे इम्पोर्टेंट सम पे आते हैं। अब देर आर सम टाइप्स ऑफ लूप्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, तो लेट अस डिस्कस दैट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द पेरीमीटर ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 3a y² इक्वल टू x² a - x इज 4a/√3। तो आई एम गोइंग टू डू द सिक्स सम, एंड सेवेंथ आप लोग ट्राई कर लेना, बट लेट मी डू द सिक्स सम। पूरा वर्किंग रूल देख लो बिकॉज लूप्स के सम में इफ यू फॉलो द वर्किंग रूल दैट आई शो, तो आपका हर एक सम का आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। मतलब ऑब्वियसली हर एक सम का आंसर सेम, मतलब मैथ्स में यू कैन नॉट हैव टू आंसर्स, लाइक एक किसी स्टूडेंट को कुछ मिल रहा है, दूसरे स्टूडेंट को कुछ और मिल रहा है, वैसा नहीं होगा। तो ये वर्किंग रूल एज इट इज फॉलो करो, यू विल गेट योर आंसर्स प्रॉपरली। सी पहले तो अब ये कर्व दे दिया, सपोज इसका आइडिया ही नहीं है कैसे बनाना है। ओके तो क्या करना है, सी आई डोंट नो वेदर यू नो दिस थिंग और नॉट। इफ इन अ कर्व यू रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स एंड वाई बाय माइनस वाई, तो अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो और कर्व का इक्वेशन सेम रहता है, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सेस। और अगर वाई के जगह पे माइनस वाई डालते हो
और कर्व का इक्वेशन सेम होता है, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं वाई के जगह पे माइनस वाई डालता हूँ तो इट वुड बी द सेम इक्वेशन। ओके, कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तो दैट मीन्स आवर कर्व, दिस लूप इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। तो सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस है मतलब एक्स एक्सिस को काटेगा वो। ओके, देखते हैं एक्स एक्सिस को काटता है कि नहीं। तो मैंने वाई को जीरो डाल दिया, पुट वाई इज जीरो। तो ये जीरो, ये एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। तो एक्स अपने को क्या मिला, जीरो जीरो ए, बिकॉज एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर टू है, तो यू विल हैव टू रूट्स विच आर जीरो और एक रूट ए आएगा। अब इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को दो बार वो जीरो जीरो पे काट रहा है और एक बार ए पे काट रहा है। तो नाउ सी, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन डेप्थ ऑफ कर्व ट्रेसिंग, बिकॉज फिर उसमें बहुत कुछ बताना पड़ेगा। तो लूप सी, ये जीरो बनाया मैंने और एक्स एक्सिस पे ए मार्क किया, तो ए को तो एक ही बार कट करेगा और जीरो को दो बार क्रॉस करते हुए जाएगा। तो सी, इफ यू सी, हेड मैंने ए पे बनाया, बिकॉज इफ यू लुक एट द कर्व वेरी केयरफुली, जीरो को देखो दो बार काटते हुए जा रहा है, ए पे एक ही बार होके हुए जा रहा है, बट जीरो को दो बार काटा। तो ये टेल, बेसिकली टेल इज दैट एट जीरो एंड हेड इज एट ए। तो ऐसे याद कर लो तो ईजी हो जाएगा, ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा जीरो। सपोज अपने को रूट्स, सपोज ऐसा आता ए कॉमा जीरो, तो ये ऐसा बनता। ओके, लूप। तो अब वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लूप, पेरीमीटर ऑफ द लूप, पेरीमीटर ऑफ द लूप मतलब ये फाइंड करना है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये क्यों नहीं किया ये, अरे तो वो फिक्स थोड़ी है, वो तो मैं कितना भी खींच सकता हूँ बाहर। ओके, तो द पोर्शन बिटवीन जीरो एंड ए उतना फाइंड करना है अपने को। ओके, तो डोंट हैव दोज डाउट्स इन योर माइंड। ओके, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक है कर्व, तो मैं फिर से क्या करूँगा, जीरो टू ए वाला पार्ट ढूंढूंगा और उसको डबल कर दूंगा। ओके, तो कर्व का इक्वेशन लिखते हैं, थ्री ए वाई स्क्वेयर। हाँ, अब क्या करना, अब सबसे बड़ा डाउट आएगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हाँ, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स का टर्म रेडी करता हूँ, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आवर फाइनल गोल इज टू फाइंड दिस टर्म। ओके, फिर इसी को रूट में डालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो अब मेरा गोल क्या है, मैं डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर को फाइंड करूँगा और वन में ऐड कर दूंगा। ओके, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स पे फोकस करते हैं। तो थ्री ए इंटू टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन प्लस ए माइनस एक्स इंटू टू एक्स। अब यह आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, और ये सिक्स ए वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स टू ए एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स ए वाई। ओके, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर का एक्स कॉमन निकाला, एंड नाउ व्हाट वी डू, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वेयर टू ए माइनस थ्री एक्स का स्क्वेयर अपॉन 36 ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ओके, अब क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स है तो वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू इंटीग्रेट दिस
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट कुछ तो होगा, 0 to a होगा अपने केस में. ओके okay. तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे राइट. तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो पूरा क्वेश्चन को अब एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करो. तो यहाँ पे देखो अपने को क्या दिया है, 3ay² दिया है. तो कैन यू जनरेट 3ay² फ्रॉम योर, यस एब्सोल्युटली. ओके 2a-3x का स्क्वायर, 36 को लिख दिया मैंने 12a इंटू 3ay² अब क्या करें, अब रिप्लेस कर दो किसको, 3ay² को, ये और ये गया तो 2a-3x का स्क्वायर अपॉन a-x और ये 12a. ठीक है, ये आ गया dy/dx का स्क्वायर. अब इसमें वन ऐड किया तो दोनों साइड वन ऐड कर दो, 2a-3x का स्क्वायर अपॉन 12a a-x, 12a a-x प्लस 4a² - 6ax इंटू 2 12ax प्लस 9x² 12a × a-x. तो ये आएगा 12a² - 12ax प्लस 4a² - 12ax प्लस 9x²12a a-x. ट्वेल्व प्लस 4 16a² - 24ax प्लस 9x² 12a a-x. ओके सो दिस इज 1 + dy/dx का स्क्वायर. अच्छा अब इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4a का स्क्वायर और लास्ट टर्म है 3x का स्क्वायर और मिडल टर्म -2 times 4a × 3x. ओके और ये हमेशा बनेगा, हर एक लूप के सम में बनेगा. अगर नहीं बन रहा है मतलब आपने मिस्टेक किया है किधर. तो इफ़ यू फॉलो दिस वर्किंग प्रोसेस व्हाट आई एम शोइंग, वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा. यू कैन ट्राई दैट इन द होमवर्क सम दैट आई हैव गिवन यू ऑन टॉप. मतलब आई हैड टेकन 2 sums ऑन लूप, आई टोल्ड 1 you can solve एंड 1 I'll solve. सो ये आएगा 4a-3x का स्क्वायर. ओके तो इसको फॉलो कर लेना. और अब क्या, हाँ अब बस रूट में डालना है. तो s इज ट्वाइस इंटीग्रल रूट ऑफ dx. लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा, x का 0 से a. ये देखो ना लूप का डायग्राम देखो, ये देखो 0 से a, 0 to a. ओके एंड ट्वाइस बिकॉज आई वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग वन साइड, उसको डबल कर देंगे. सो 0 to a और ये वैल्यू ऊपर रेडी है, रूट ऑफ 4a-3x का स्क्वायर अपॉन 12a a-x dx. अब क्या, अब सबसे पहले ना 12a को बाहर निकालो, √12 √a 0 to a एंड द न्यूमरेटर कम्स आउटसाइड द रूट, सो इट बिकम्स 4a-3x और ये √a-x dx.
टू अपॉन टू रूट थ्री और रूट ए, ये और रहेगा जीरो टू ए फोर ए। अच्छा इसको ऐसा लिख दे चलेगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, सो आई एम ट्राइंग टू ग्रेट ए माइनस एक्स ऑन टॉप। तो ये देखो इसको ऐसा लिख दिया, थ्री ए माइनस थ्री एक्स, बट अपने को क्या चाहिए था, फोर ए, तो मैंने प्लस ए ऐड कर दिया। तो अब ये आएगा वन अपॉन रूट थ्री इंटू रूट ए, यहाँ पे टर्म बाय टर्म सेपरेट कर लो, तो थ्री टाइम्स ए माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ ए माइनस एक्स प्लस ए अपॉन रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सी आई कुड हैव स्किप्ड फ्यू मोर स्टेप्स, आई वॉज गोइंग टू राइट दिस डायरेक्टली एज ए माइनस एक्स द होल रेज टू हाफ, बट वही है कि आई एम कीपिंग इन माइंड लाइक ऑल, मतलब जिनका पेस कम है समझने का, जिनका पेस अच्छा है, दे कैन वॉच इट ऑन अ लाइक 1.25 स्पीड ऑल्सो टू सेव दे आर टाइम, बट आई एम कीपिंग इन माइंड लाइक ऑल द स्टूडेंट्स जब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ तब। ओके कि वीकेस्ट को भी समझे और स्ट्रांगेस्ट को भी समझे। ओके सो जीरो टू ए थ्री टाइम्स ए माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस ए, और ये रूट ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। थ्री ए माइनस एक्स रेज टू थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, और एक माइनस का साइन आएगा बिकॉज ये वाला माइनस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव वन, तो वो माइनस नीचे आएगा, और ये आएगा प्लस ए टाइम्स ए माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन, सो दैट इज हाफ हाफ और माइनस वन, जीरो टू ए। अच्छा ए डालोगे तो सब जीरो आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, जीरो डालोगे तो थ्री ए, अच्छा ये थ्री और थ्री तो कट ही कर दो, क्यों रखा है, ए माइनस जीरो इज ए, ए रेज टू थ्री बाई टू अपॉन माइनस हाफ प्लस जीरो डालोगे तो ए इंटू ए रेज टू हाफ अपॉन माइनस हाफ, माइनस माइनस कट, दोनों का हाफ हाफ कॉमन आएगा, ऊपर जाएगा, तो देखते क्या आएगा। सो टू टाइम्स ए रेज टू थ्री बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो ए रेज टू थ्री बाई टू, और टू टू कॉमन आ गया बिकॉज हाफ हाफ कम्स आउटसाइड गोज ऑन टॉप, तो दिस बिकम्स ए रेज टू, सॉरी टू टाइम्स ए रेज टू थ्री बाई टू। तो अब ओवरऑल क्या हो गया, फोर बाई रूट थ्री टाइम्स ए रेज टू थ्री बाई टू अपॉन रूट ए, तो ए रेज टू थ्री बाई टू को फिर से ए रूट ए लिख देते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस। ओके एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये अपना फाइनल लेंथ ऑफ लूप। सो कैलकुलेटिव है, यस डेफिनेटली है कैलकुलेटिव, आप लोग सेवन सम कर लेना होमवर्क के लिए, आंसर सेम आएगा, फोर ए बाई रूट थ्री आई गेस, या एकदम एग्जैक्ट फॉलो द सेम स्टेप्स, आई एम श्योर यू विल गेट द आंसर,
ओके सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सो आई हैव डिस्कस्ड सेमी क्यूबिक पैराबोला एंड लूप इन दिस. सो नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस वन और टू सम्स मोर ऑन लूप एंड आई विल गिव यू फ्यू मोर सम्स फॉर प्रैक्टिस. तो इतना कर लेना एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट देन. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कीप ऑन रिसीविंग द नोटिफिकेशंस एज एंड वेन आई एम अपलोडिंग मोर कंटेंट. ओके सो टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू.